हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है LTE PSS SSS। अब देखिए, ये जो दो सिग्नल होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब भी हमारा डिवाइस रजिस्टर करता है नेटवर्क के ऊपर, तो ये दोनों सिग्नल होने बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको डिकोड करना। तो PSS होता है प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, SSS होता है सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल। चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। अब देखिए, LTE के अंदर दो तरह के सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल होते हैं, PSS SSS। अब ये जो सिग्नल होते हैं ये ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, नेटवर्क इन्हें ब्रॉडकास्ट करता है ताकि UE इन्हें डिकोड कर सके। तो हमारा एक रेडियो फ्रेम होता है 10 मिलीसेकंड का, तो ये जो सिग्नल्स होते हैं वो हर 10 मिलीसेकंड के ऊपर ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं कि अगर कभी यूई मिस भी कर दे तो वो नेक्स्ट 10 मिलीसेकंड के अंदर इसको दोबारा से डिकोड कर सकता है। तो ये दोनों सिग्नल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब इन सिग्नल की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हैं। रेडियो फ्रेम, सब फ्रेम, स्लॉट एंड सिंबल सिंक्रोनाइजेशन इन द टाइम डोमेन। अब देखिए, जो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर होता है वो TDD का अलग होता है, FDD का अलग होता है। तो जब आप टाइम डोमेन में होंगे तो रेडियो फ्रेम, सब फ्रेम, स्लॉट एंड सिंबल सिंक्रोनाइजेशन आप इन सिग्नल की हेल्प से कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द चैनल बैंडविड्थ इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। आप जो सेंटर होता है चैनल बैंडविड्थ का उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। एंड डिड्यूस द PCI। अब जो फिजिकल लेयर सेल आइडेंटिटी होती है वो भी आप इसी के थ्रू इन सिग्नल की हेल्प से ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों सिग्नल आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, डिटेक्टिंग द सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स इज ए प्री रिक्विजिट टू मेजरिंग द सेल स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल्स एंड डिकोडिंग द मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक ऑन द PBCH फिजिकल ब्रॉडकास्ट चैनल। अब देखिए, जब भी मतलब ये प्री रिक्विजिट है। आप जैसे सपोज आपकी मिब आने वाली है, अभी नेटवर्क मिब भेजेगा, रेफरेंस सिग्नल जो सेल स्पेसिफिक होते हैं वो सब भेजेगा, उससे पहले आपको ये सिग्नल डिटेक्ट होने बहुत जरूरी हैं। उसी के बेस पे आप उनको मेजर कर पाएंगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, ये जो एक 10 मिलीसेकंड का फ्रेम इसमें दिखाया है इस डायग्राम के अंदर, तो एक फ्रेम के अंदर, एक रेडियो फ्रेम के अंदर जो कि 10 मिलीसेकंड का है, उसके अंदर 10 सब फ्रेम होते हैं और 20 स्लॉट्स होते हैं। तो सब फ्रेम 0, 1, 2 अप टू 9 एंड टाइम स्लॉट 0, 1, 2, 3 ये स्लॉट्स होते हैं जो कि 20 तक होते हैं। अब देखिए, जो 0 स्लॉट होता है और 10 स्लॉट होता है उसके अंदर आपको ये SSS PSS मिलेंगे। अब आप देखिए, अब एक ये स्लॉट है उसके अंदर सिंबल्स होंगे, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जो फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन है वहां पे पहले आपको SSS मिलेगा, देन PSS मिलेगा। ऐसी जो टेंथ स्लॉट है उसके अंदर ये सिंबल्स हैं, आपको फिफ्थ सिंबल पे SSS मिलेगा और सिक्स्थ पे मिलेगा PSS। तो ये रेडियो फ्रेम के अंदर जब नेटवर्क भेजता है तो आप उसको यूई जो है यहाँ इन स्लॉट्स पे जाके इन सिंबल्स को डिकोड कर लेता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो सिग्नल है वो कहाँ पे आता है, कौन से सिंबल के अंदर आता है। अब देखिए, इंडिविजुअली देख लेते हैं इन दोनों का क्या रोल है। जो PSS है उसका क्या रोल है, अचीव सब फ्रेम, स्लॉट एंड सिंबल सिंक्रोनाइजेशन इन द टाइम डोमेन, आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द चैनल बैंडविड्थ इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। द PSS इज ब्रॉडकास्ट ट्वाइस ड्यूरिंग एवरी रेडियो फ्रेम एंड बोथ ट्रांसमिशन आर आइडेंटिकल। अब देखिए, जो अभी पीछे डायग्राम में मैंने दिखाया था, ये एक रेडियो फ्रेम है और इसके अंदर दो बार PSS ट्रांसफर हुआ है, ब्रॉडकास्ट हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है। PSS इज ब्रॉडकास्ट ट्वाइस ड्यूरिंग एवरी रेडियो फ्रेम एंड बोथ ट्रांसमिशन आर आइडेंटिकल, और दोनों के अंदर जो वैल्यू है सेम होगी। PSS कैन नॉट बी यूज टू अचीव रेडियो फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। PSS से आप रेडियो फ्रेम को सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते। डिड्यूस ए पॉइंटेड टुवर्ड्स वन ऑफ
3 फिजिकल लेयर सेल आइडेंटिटी, आप इसकी हेल्प से पीसीआई को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल होता है ये भी ट्वाइस ही होता है, जैसे कि पीछे वाले डायग्राम में था। द टू ट्रांसमिशन ऑफ एसएसआर डिफरेंस होता है, यू कैन डिटेक्ट विच इज द फर्स्ट एंड विच इज द सेकेंड। जो एसएसएस होता है उसके हेल्प से आप रेडियो फ्रेम जो हमारा होता है उसको सिंक्रोनाइज करते हैं एसएसएस की हेल्प से। तो इन दो आपको पता होना चाहिए कि पीएसएस से रेडियो फ्रेम सिंक्रोनाइज नहीं होता, एसएसएस से रेडियो फ्रेम सिंक्रोनाइज होता है। और डिड्यूस ए पॉइंटर टुवर्ड्स वन ऑफ 168 फिजिकल सेल आइडेंटिटी ग्रुप, इसकी हेल्प से आप जो फिजिकल लेयर सेल आइडेंटिटी ग्रुप है उसको डिड्यूस कर सकते हैं। तो ये था पीएसएस और एसएसएस के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपके मोबाइल पे और आपके फोन में या आपकी जीमेल आईडी पे आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।